मुझे पता है कि मैं लेट हूँ इस टॉपिक पे, मुझे करोड़ साल पहले वीडियो बना देना चाहिए था, बट यार उस टाइम शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, माफ़ी। टाइटल तो हमने देख के तुम समझ गए कि मैं आज बात करने वाला है बग्गी के बारे में। क्या बग्गी एक्चुअली में स्ट्रांग है? अगर वो है तो वो क्यों अपनी पावर्स को छुपा रहा है, और वो एग्जैक्टली कितना स्ट्रांग है, या फिर मे बी वो है ही नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? ये वीडियो बनाने का रीज़न तो मांगा वाले समझ गए होंगे, एनमे ओनली वाले तुम जाओ यार यहाँ से। वैसे कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे लिए बड़ा स्पॉइलर हो सकता है ये, ठीक है? आई कैंट गारंटी। इंट्रो देखो, फिर बात करते हैं बग्गी के बारे में। लेट्स बी गेन। चैप्टर 1053 में एक बहुत अजीब चीज़ हुआ है। आफ्टर द डिफीट ऑफ काइडो एंड बिग मॉम, उनके योंको के पोजीशन को दो कैरेक्टर्स ने रिप्लेस किया है। एक तो एज एक्सपेक्टेड लूफी ने किया, और दूसरा बग्गी भाई। लूफी का अंडरस्टैंडेबल है, ऑल दो गोरो से मूर्ख हरकत की है। लूफी को योंको बनाने के बाद भी उसका बाउंटी किड लॉ के जितने ही रखे, स्टूपिड भाई। लेकिन लूफी की बात करना ही नहीं है मुझे इस वीडियो में, मुझे बात करना है बग्गी के बारे में। एंड हाँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई वो लेम बग्गी डी क्लाउन वाला जोक मत मारना कमेंट में, मस्त कमेंट डिलीट करूँगा मैं भाई, मेरे को दिखा मैं कमेंट डिलीट करूँगा। ओवर यूज्ड शिट है भाई वो जोक, ठीक है? और वो गॉड उसअप वाला जोक भी मत मारना, ठीक है? तो मैं बात कर रहा बग्गी के योंको बनने की। तो ये चीज़ से ना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि बग्गी योंको बना कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बग्गी एक्चुअली में स्ट्रांग है और वो नाटक कर रहा है अभी तक फुद्दू बनने का, तो क्यों कर रहा है वो? मैं ट्राई करूँगा ये सब के आंसर्स देने का थ्रू दिस वीडियो। दिस इज़ नॉट अ थ्योरी वीडियो, शायद नहीं है थ्योरी वीडियो, बट थोड़ा तुक्का और अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करूँगा मैं इस पूरे सिचुएशन पर। पहले तो थोड़ा सा मैं तुमको योंको के बारे में बता देता हूँ। योंको मतलब होता है फोर एम्परर्स जो कि न्यू वर्ल्ड पर रूल करते हैं, और न्यू वर्ल्ड का हर पायरेट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी एम्परर से कनेक्टेड होता ही है। एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो बार्थोलोमियो को। अभी तो लूफी योंको बन गया है, बट ड्रेसोरोसा आर्क में जब लूफी योंको नहीं था तब भी भाई बार्थोलोमियो काइडो से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। कैसे बता देता है मैं, बार्थोलोमियो लड़ा था डॉफी के क्रू के अगेंस्ट, और डॉफी पार्टनर है काइडो का, इनडायरेक्टली कनेक्टेड। हर न्यू वर्ल्ड का पायरेट कुछ ना कुछ तरीके से कोई ना कोई योंको से कनेक्टेड है ही, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है योंको उसका न्यू वर्ल्ड में। अब ये योंको सिस्टम को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खुद से रिकॉग्नाइज कर रखा है। यस, दे रिकॉग्नाइज योंको। इधर पर मैं तुमको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉजर को एज पायरेट किंग रिकॉग्नाइज नहीं करती। पायरेट किंग का टाइटल इज़ एन अनऑफिशियल टाइटल, लेकिन योंको इज़ एन ऑफिशियल टाइटल। गोरोसे ने इसलिए योंको बोला था काइडो और बिग मॉम को, क्योंकि वो योंको मानती हैं उन्हें। और लूफी का फिफ्थ एम्परर एक अनऑफिशियल टाइटल था, लेकिन अभी वाला एक ऑफिशियल टाइटल है। मतलब कि इट इज़ नॉट द न्यूज़पेपर जिसने लूफी और बग्गी को योंको माना है, इट इज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो ये चीज़ दिमाग में डाल लो कि ये दोनों एक्चुअली में अभी योंको है। इट इज़ नॉट न्यूज़पेपर विच इज़ डिक्लेयरिंग लूफी एंड बग्गी एज न्यू योंकोस। और हाँ, न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ें वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से छपती है, जैसे कि बाउंटी पोस्टर्स। बाउंटी डिसाइड करती वर्ल्ड गवर्नमेंट है, लेकिन प्रिंट और पब्लिश कराती वो मॉर्गन्स वाले न्यूज़पेपर कंपनी से है। बट मॉर्गन्स हरामखोर है, तो वो बहुत चीज़ें अपने से भी छाप देता है, जैसे कि फिफ्थ एम्परर वाला शिट। और 1053 में बाउंटीज़ और योंको टाइटल वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, लेकिन लूफी के निका पिक्चर को प्रिंट करने का डिसीजन मॉर्गन्स का था। वैसे न्यू वर्ल्ड जो है इस पर लंबे टाइम से चार पायरेट्स ही रूल करते आए हैं। गॉड वैली इंसिडेंट के बाद जो चार पायरेट्स न्यू वर्ल्ड पे रूल करते थे वो थे रॉजर, व्हाइटबीट, शिकी, बिग मॉम। फिर बाद में रॉजर मर गया और शिकी छुप गया, छुपने चले गया। फिर बाद में काइडो एज ए योंको एमर्ज हुआ। उसके बाद एक और एम्परर आया कि नहीं पता नहीं, बट बहुत साल बाद शैंक्स फिर योंको बना। ऐसा हो सकता है कि शैंक्स ने किसी और एम्परर को हरा के एम्परर बना, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से वो एक एम्परर का पोजीशन खाली था और शैंक्स ने उसको भर दिया और वर्ल्ड को बैलेंस कर दिया। फिर व्हाइटबीट मरा और कुछ टाइम तक उसका पोजीशन खाली रहा, जिसको बाद में ब्लैकबीट ने भर दिया। मतलब कि एक योंको बनने के लिए या तो पुराने योंको को हटना पड़ेगा या फिर पुराने योंको को हटाना पड़ेगा। अभी तक के हिसाब से कभी भी पांच एम्परर नहीं बने हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि बग्गी बिग मॉम और काइडो के हारने के पहले एम्परर नहीं बना था, जिसका मतलब ये हुआ कि बिग मॉम काइडो के हारने के बाद जब दो एम्परर्स का पोजीशन खाली हुआ तब बग्गी ने कुछ ऐसा हरकत किया कि उसको एम्परर का पोजीशन मिल गया। देखो, लूफी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने योंको कंसिडर कर दिया, अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि लूफी ने लेजिट खुद से एक योंको को हराया है और योंको को हरा के ही तो योंको बनेगा ना कोई भी। लेकिन बग्गी ने बचे हुए किसी भी योंको को नहीं हराया है, फिर भी वो योंको बना।
मतलब कि उसने कुछ ऐसा हरकत किया है इन 7 दिनों में कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको योंको कंसिडर कर लिया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू थिंक अबाउट इट। केड लॉ ने भी तो एक योंको को कैसे तैसे करके हराया ना, फिर भी उनके बदले बग्गी क्यों योंको बना? ऐसा क्या हरकत किया है इस बंदे ने, इस क्लाउन ने, जो कि एक योंको को हराने से भी ज़्यादा बड़ा है? वारलॉर्ड सिस्टम हटने के बाद जब बग्गी को मरीन्स लोग कैप्चर करने गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन मरीन्स को बग्गी ने कैसे तैसे हरा दिया, या फिर उसका किसी ऐसे बंदे ने या फिर कोई ऐसे कैरेक्टर ने हेल्प किया जो कि हद ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। उन मरीन्स को हराने में ओवर पावर्ड कैरेक्टर ने हेल्प किया, कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर ने, और जैसे बग्गी सिचिपुगाई बन गया था, बग्गी एक योंको बन गया। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अरे ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा, सिचिपुगाई कहाँ, योंको कहाँ, देखो बग्गी का कैरेक्टर ही पूरा कार्टून है। वो जो नहीं चाहता वो हो जाता है। सबको पता है कि वो कुछ नहीं करके भी अपने आजू बाजू के लोगों को गलती से कन्विंस कर देता है। लॉन्ड के पास अच्छे खासे फैन बॉयज है, प्लस बग्गी रॉजर पायरेट का मेंबर था ये बोल के वो वारलॉर्ड बन गया था, और यही रीज़न से वो योंको भी बन गया होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बग्गी अकेले किस्मत से योंको नहीं बना, उसको किसी और के अचीवमेंट का क्रेडिट मिला है। मे बी देर इज़ सम ओवर पावर्ड कैरेक्टर विथ हिम राइट नाउ, और उसके फैन बॉयज़ को लग रहा होगा कि ये ओवर पावर्ड कैरेक्टर बग्गी सामा के लिए काम कर रहा है। एक और जो चीज़ हो सकता है वो ये है कि लॉर किड योंको नहीं बने क्योंकि वो लूफी के साथ अलायंस बना के रखे थे, ऑल्दो उनका बाउंटी बढ़ गया, लेकिन क्योंकि योंको का 2 ही पोजीशन खाली था, एक में गोरोसे ने लूफी को डाल दिया और दूसरे में ऐसे ही भरने के लिए बग्गी को डाल दिया। शायद एक और पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में ये आया कि शायद बग्गी को जानबूझ के वर्ल्ड गवर्नमेंट ने योंको बनाया है। मे बी उन्होंने बग्गी को कैप्चर कर दिया वो मरीन्स जो कि उसको पकड़ने गए थे, और फिर गोरोसे ने उसको योंको बना दिया ताकि वो बग्गी के थ्रू न्यू वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। क्या बग्गी एक्चुअली में स्ट्रांग है और वो अपना स्ट्रेंथ छुपा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। पूरे सीरीज में मजाक कैरेक्टर रहा है बग्गी। हाँ थोड़ा बेटर हो सकता है, जैसे कि शायद अभी तक उसको हॉकी यूज़ करना आ गया होगा, या फिर रॉजर पायरेट्स में रहने की वजह से सम वे उसका रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट बेटर हुआ होगा, जो कि हम लोग अच्छे से अभी तक नहीं दिखा है। बट दैट्स ऑल, एक फुद्दू सा कैरेक्टर को ओडा अचानक से योंको लेवल कैरेक्टर टाइप्स दिखाएगा, तुम्हें लगता है ये बंदा डेविल फ्रूट को खाते टाइम भी कार्टून था, शिचिबुगाई बनते टाइम भी कार्टून था, और योंको बनने के बाद भी कार्टून ही होगा? वैसे अगर एक्चुअली में ये हद लेवल स्ट्रांग होगा तो फिर ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होगा, बट फिर ओडा को एकदम ही ज़्यादा कन्विंसिंग जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही कन्विंसिंग होना चाहिए। बग्गी एक ट्रेजर का भूखा, क्लाउड का भूखा, लाल नाक वाला लेम सा जोकर है। मतलब वो जोकर लेम सा है, नॉट सेइंग कैरेक्टर लेम है, ठीक है, मस्त कैरेक्टर है, बट ऑडियंस ने इतना जोक मार दिया है ना इस पर कि अब लेम निकल जाता है इसके लिए मुंह से। बट पॉइंट इज़ कि ये जैसे पहले था मोस्ट लाइकली अभी भी वैसा ही रहेगा। वैसे जो चीज़ ओडा ने किया है ना, मुझे इसको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द सीरीज़ में, अगर योंको सिस्टम तब भी रहा तो ऐसा हो सकता है कि लॉ और किड एज योंकोस रिप्लेस करेंगे शैंक्स और ब्लैकबियर्ड को, फिर हम एक नए जनरेशन के योंकोस को देखेंगे। लॉ किड के योंको नहीं बनने का रीज़न ये भी हो सकता है वैसे कि उनका इन्फ्लुएंस न्यू वर्ल्ड में बग्गी से कम है, विच एक्चुअली साउंड्स वेरी फनी। लमाओ लॉकेट के क्रूज स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए वो योंको नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बग्गी का क्रू कौन सा स्ट्रॉन्ग है भाई, बताओ ज़रा। लेकिन हाँ, अगर जैसे मैंने पहले बोला कि बग्गी के साथ कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जिसको बग्गी के फैन बॉयज और वर्ल्ड गवर्नमेंट सोच रही है कि वो बग्गी के अंडर है, तो फिर वो रीज़न हो सकता है बग्गी के योंको बनने का। और या वेल एग्जैक्टली क्या रीज़न होगा मैं नहीं बता सकता, बट ये ज़रूर बता सकता हूँ कि नए नए मांगा रीड करने वाले जो स्पैम करने वाले हैं भाई हर जगह कि भाई लूफी सबको हरा देगा लेकिन बग्गी डी क्लाउन को नहीं हरा पाएगा, हुई 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 हुई। तुझे पता है ब्रो, लूफी अभी ब्लैकबियर्ड और शैंक्स को हरा देगा लेकिन बग्गी डी क्लाउन से वन शॉट हो जाएगा, हुई 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 हुई, फनी कॉमेडी लमाओ XD भाई लॉल। इफ़ पॉसिबल मत स्पैम करना, ठीक है, इस वीडियो के नीचे, जो कि तुम करोगे मुझे पता है। एनीवेज हो गया वीडियो, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं फालतू टॉपिक पे फालतू का इतना लंबा वीडियो बनाया है? अगर हाँ तो तुम दिमाग वाले हो। एक्चुअली मैं थोड़ा RVS जैसा अपन नहीं कोशिश कर रहा था तो ये वीडियो ला दिया। चलो मैं निकलता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। और हाँ, गॉड डू सब सावा सोलोस बग्गी डी क्लाउन एंड रॉक्स डी कारीबो।